बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. यू आर वाचिंग बीएसएन पाकिस्तान एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर तहरीन इसहाक. होप यू ऑल विल बी फाइन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, दैट इज ऑन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज कम्युनिकेशन. अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी अगर वीडियो अपलोड की जाए तो उसके बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं. हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में. तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं हमारी एवरीडे लाइफ में भी और उसके अलावा जो है स्पेशली हमारी जो इफेक्टिव प्रोफेशनल लाइफ है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. कम्युनिकेशन, हियर आर सम क्वेश्चंस आस्क्ड इन योर कंटेंट, वी विल से देम वन बाय वन. Define communication, elements of communication process and ways of communication. Identify the characteristics of effective verbal communication. Describe factors that facilitate or interfere with the effective communication. Discuss techniques that facilitate and interfere with the effective communication. Define ways to respond therapeutically. Identify non-therapeutically respond and discuss the legal aspects of documentation. We will cover all these questions in the same lecture. Let's start from question number one. Question number one. Define communication, elements of communication process, ways of communication. तो सबसे पहले हम बात करते हैं communication की. Communication क्या है? Communication is the interchange of information between two or more people. In other words, the exchange of ideas or thoughts. कि दो लोगों के दरमियान में या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान में क्या होता है. कम्युनिकेशन एक एक्सचेंज है इन्फॉर्मेशन का जो हम एक दूसरे को देते हैं. अभी भी हम इस वक्त जो कर रहे हैं दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कि हम इन्फॉर्मेशन जो है एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं. ठीक है, अब कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारे इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था डिफाइंड कम्युनिकेशन वो हमारा कंप्लीट हो गया. अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ जाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस. तो हम एलिमेंट्स को देखते हैं. इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? सबसे पहले आता है स्टिमुलस, देन सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक. तो ये हमारे पास छह एलिमेंट्स हैं जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. हम इन सबको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. स्टिमुलस, कॉमन वर्ड में अगर हम स्टिमुलस की बात करें तो स्टिमुलस कोई भी ऐसी चीज होती है, कोई भी ऐसी इंस्टिंक्ट होती है जो कि आपको किसी एक्शन के लिए जो है वो इनिशिएट करवाती है. तो अगर हम यहाँ बात करें कम्युनिकेशन में तो स्टिमुलस हमारे पास क्या होगा? द मोटिवेटर दैट इंड्यूसेस टू इंडिविजुअल टू कम्युनिकेट इज कॉल्ड अ स्टिमुलस. कि कोई भी ऐसी चीज जो कि दो लोगों को या दो से ज्यादा अफराद को इस बात पर उभारे कि वो जो है आपस में बात करें. जैसे कि कोई भी डिजीज है वो क्या है? वो एक स्टिमुलस है कि वो नर्स जो है वो अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करे, या जिस तरह से एक टीचर जो है अपने स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करता है, या स्टूडेंट जो है वो अपने टीचर के साथ कम्युनिकेट करता है. तो कोई ना कोई वजह होती है, कोई मोटिवेशन होती है जिसकी वजह से जो है कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है. नेक्स्ट हम चलते हैं सेंडर की तरफ. अब सेंडर क्या होता है? कॉमनली अगर हम देखें तो सेंडर वो पर्सन होता है जो कोई भी एक मैसेज जो है किसी दूसरे पर्सन तक जो है वो भेज रहा होता है. The sender is a person or a group who wishes to convey a message to another. Can be called as a source encoder. वो क्या कर रहा है? वो अपनी इंफॉर्मेशन को इनकोड कर रहा है. एक स्पेसिफिक कल्चर के हिसाब से, अपनी लैंग्वेज के हिसाब से वो चीज़ों को क्या कर रहा है? इनकोड कर रहा है. ठीक है, उनको एक स्पेशल जो है वो अरेंजमेंट में लेकर आया ताकि सामने वाला जो है उसको समझ सके. तो कोई भी ऐसा पर्सन या ग्रुप जो कि मैसेज कन्वे करना चाह रहा है तो वो क्या होगा? सेंडर होगा. इनकोडिंग क्या होती है? इनकोडिंग इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक साइंस और सिंबल्स टू ट्रांसमिट द मैसेज सच एज विच लैंग्वेज एंड वर्ड्स टू बी यूज इन कम्युनिकेशन प्रोसेस. हम बात कर चुके हैं इस बारे में. नेक्स्ट चलते हैं. तो थर्ड एलिमेंट आ जाता है मैसेज. कि ऐसी कौन सी बात है जिसको आप आगे फर्दर ट्रांसमिट करना चाह रहे हो? द थर्ड कम्पोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज द मैसेज इट सेल्फ. वट इज एक्चुअली सेड और रिटन. कि क्या बात आपने कहनी है या आपने लिख कर किसी को दे देनी है? द बॉडी लैंग्वेज दैट एक्म्पनाइज द वर्ड्स.
कि उस मैसेज के साथ आपकी कौन सी बॉडी लैंग्वेज जो है सर्टन इस्तेमाल होगी। अगर आप हैप्पीनेस शो करना चाहते हैं तो उसके साथ आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए आपकी बात के साथ साथ, ठीक है। अगर आप सैडनेस शो करना चाहते हैं तो आपके फेस पे वो सैडनेस के जो एक्सप्रेशन है वो होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ एलिमेंट की, चैनल, कि किस चैनल के थ्रू, किस पैसेज के थ्रू, किस पाथवे के थ्रू आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ट्रांसमिट कर रहे हैं। द मीडियम यूज टू कन्वे द मैसेज इज कॉल्ड अ चैनल एंड इट कैन टारगेट एनी ऑफ द रिसीवर सेंसेस। इस बात का क्या मतलब? इस बात का ये मतलब है कि अगर आप सामने वाला पर्सन कोई बात बोल के बता रहा है किसी को, तो वो किस चीज को टारगेट कर रहा है? वो उसकी दो सेंसेस को टारगेट कर रहा है बेसिकली, कि एक तो उसकी जो है वो वॉइस हो जाएगी सामने वाले की, किसको, उसकी हियरिंग को टारगेट कर रही है, ठीक है। और उसके अलावा जो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो सामने वाले की विजन को टारगेट कर रहे हैं। तो वो यही बात हो रही है कि किस जो हमारा है ना मैसेज या चैनल जो है, ठीक है, वो हमारा मैसेज किसी भी जो है सेंस को टारगेट कर सकता है रिसीवर की। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द चैनल टू बी अप्रोप्रिएट फॉर द मैसेज सो दैट रिसीवर कैन रिसीव इट प्रॉपरली इन अ वे दैट यू वॉन्ट। अब अगर आप किसी पर्सन को अपने एक्सप्रेशन देना चाहते हो लेकिन अगर आप उसके सामने भी नहीं हो, तो आप किस तरह से प्रॉपर चैनल के थ्रू तक अपनी बात पहुंचा सकते हो? चैनल ही जब तक बिल्ड नहीं होगा तो मैसेज जो है तब तक नहीं जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिसीवर की। रिसीवर कौन पर्सन होता है जो कि मैसेज को रिसीव कर रहा होता है? द रिसीवर इज द फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, इज द लिसनर हु मस्ट लिसन कीनली, ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड। यहाँ पर तीन बातें हो रही हैं, मस्ट लिसन, कीनली ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड, कि वो उसको इंटरप्रेट करे अपने ब्रेन में ले जाकर व्हाट अ सेंडर इज सेइंग। द पर्सन इज अ डिकोडर। मैंने आपको बताया था कि जो सेंडर होता है वो क्या होता है, वो इनकोडर होता है, कि वो अपने मैसेज को इनकोड कर रहा है, और उसके इनकोडेड मैसेज को जो रीड आउट करता है, जो ओपन करता है, वो कौन होता है? वो डिकोडर होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं फीडबैक। द लास्ट कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज द फीडबैक। इट इज द मैसेज दैट रिसीवर रिटर्न्स टू द सेंडर इन रिस्पॉन्स ऑफ प्रीवियस मैसेज दैट शोज दैट द रिसीवर हैज इंटरप्रेटेड द मैसेज। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से बात कर रही हूँ, मेरे सामने कोई बैठा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा? जब हम कोई बात करते हैं तो हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, हम सेंडर हैं, हमने एक चैनल के थ्रू अपने मैसेज को रिसीवर तक भेज दिया। अब रिसीवर फर्दर वो अपना सर हिलाएगा या वो हाँ कहेगा या जी कहेगा या कुछ भी कहेगा, तो वो क्या होगा? वो उसका फीडबैक होगा कि उसने हमारे मैसेज को प्रॉपरली इंटरप्रेट कर लिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो छह एलिमेंट्स थे कम्युनिकेशन प्रोसेस के, हमारे पास स्टिमुलस था, हमारे पास सेंडर था, हमारे पास मैसेज था, देन चैनल था हमारे पास, फिर रिसीवर था, और फिर हमारे पास फीडबैक था। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। हमने अपने क्वेश्चन नंबर वन के दो पार्ट्स तो कर लिए, अब हम पर थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, वेज ऑफ कम्युनिकेशन। देर आर टू वेज ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हम बात करते हैं पहले वर्बल कम्युनिकेशन की। वर्बल कम्युनिकेशन में हमारा जो मैसेज है हम अपने जो रिसीवर तक किस तरह से पहुंचाते हैं, हम आइदर बात करके या लिख कर किसी भी तरह से अपने लफ्ज़ों के जरिए जो है अपना पैगाम जो है सामने वाले पर्सन तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अब वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आती हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, पेस एंड इंटोनेशन। अब पेस क्या होती है? पेस होती है कि आप किस रिदम में बात कर रहे हैं, आप किस रेट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा इंटोनेशन क्या होती है? अगर आप बात करें कि किसी की टोन अच्छी नहीं थी मेरे साथ बात करते हुए, तो वो जो है हमारे पास, वो टर्म जो है हमारे पास इंटोनेशन में आ जाती है, कि किस टोन में जो है आपने किसी सामने वाले से बात करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं सिंपलिसिटी, किस तरह की सादा लैंग्वेज में जो है आप बात कर रहे हैं, जो कि सामने वाले इजीली जिनको अंडरस्टैंड कर सकता है, आइदर ये उसके आईक्यू लेवल के साथ, उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल के साथ, उसकी एजुकेशन के साथ, उसके कल्चर के साथ, किसी भी तरह से उसके साथ अगर मैच करती है, वो उसको इंटरप्रेट कर सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है, तो हमें वो बात करनी चाहिए। अदरवाइज हमें डिफिकल्ट बात नहीं करनी चाहिए जिसको हमारा रिसीवर जो है वो परसीव ही ना कर सके प्रॉपरली। थर्ड है क्लैरिटी एंड ब्रेविटी। क्लैरिटी का मतलब क्या है? कि आप जो बात कर रहे हैं आप उसमें क्लियर हो, ठीक है। और ब्रेविटी क्या है? कि उसको कंसाइज करें, उसको एक्यूरेट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है टाइमिंग एंड रेलिवेंस। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है इन वर्बल कम्युनिकेशन। अब अगर आप बात कर रहे हैं,
आपकी टाइमिंग अच्छी नहीं है, मतलब आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं या आप सामने वाले को टाइम ही नहीं दे रहे कि वो उसको प्रोसेस करे या आपको फीडबैक प्रोवाइड करे, तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं होगी। किसी भी तरह से सामने वाला आपकी बात को समझ नहीं सकेगा, तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल बेकार चली जाएगी। तो क्या हमें करना है, सामने सामने वाले को टाइम देना है प्रॉपर, और हमें रेलिवेंट बात करनी है। देन कम्स अडैप्टेबिलिटी। अडैप्टेबिलिटी, अडैप्ट करना क्या होता है, किसी के मुताबिक अपने आप को उसके मुताबिक चेंज कर लेना। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल हम नर्स की एग्जाम्पल लेते हैं, नर्स किसी रूम में एंटर हुई है तो वहाँ पे पेशेंट जो है वो परेशान है, नर्स जो है हैप्पी मूड में आई है, ठीक है, तो उसको क्लाइंट का मूड देखते हुए अपने मूड को अडैप्ट करना है, चेंज करना है। अगर क्लाइंट परेशान है तो उससे उसकी स्ट्रेस की, उसकी टेंशन की वजह पूछनी है, ठीक है। अगर वो वजह आपको बता देता है तो ठीक है, आपने मतलब उसके साथ जो है ट्रस्ट डेवलप करना और उससे बात उसकी पूछनी। अगर आप वहां पे खड़े हो के हंस रहे हैं या कोई आप इनकॉन्ग्रुएंट बिहेवियर दे रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन जो है वो फेल हो जाएगी। देन कम्स क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी होती है कि आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, रिलायबिलिटी बिल्ड करनी है क्लाइंट के जो है उसमें, उसकी फीलिंग्स में, उसकी थॉट्स में, कि अगर वो आपको ट्रस्ट वर्दी समझेगा, आप पे बिलीव करेगा, तो वो आपको कुछ बताएगा। तो ये कैसे हो सकता है कि नर्स जो है अपनी केयर प्रोविजन में कंसिस्टेंट हो, वो एम्पथेटिक हो, ठीक है, वो हर तरह से जो है रिस्पॉन्सिबल हो अपने क्लाइंट के मामले में, तो क्या होगा, उसको क्रेडिबिलिटी मिल जाएगी। उसके बाद आता है ह्यूमर। एक पॉजिटिव चेंज होता है किसी भी क्लाइंट को लेकर आने के लिए हेल्थ की तरफ, ठीक है। तो अगर आपके अंदर पॉजिटिव ह्यूमर एनर्जी है, आप किसी को हंसा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको ये देखना है कि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो ह्यूमर वहाँ पे फिट है, हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो वो हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन अगर वो नहीं हो रहा तो वो बहुत ज़्यादा इनइफेक्टिव होगा। आपका इंप्रेशन जो है क्लाइंट के सामने वो भी खराब हो जाएगा। गॉट इट? अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, जिसमें हमारे जो वर्ड्स हैं वो इस्तेमाल नहीं होते, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा पोस्चर, हमारी गेट, हमारे जेस्चर्स, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, सब कुछ जो है उसमें इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अपीयरेंस की। पर्सनल अपीयरेंस जो है वो किसी भी पर्सन के बारे में बहुत अच्छा जो है आपको आइडिया दे सकती है कि वो पर्सन जो है किस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है या किस तरह से वो अपने आप को जो है मेंटेन करके रखता है। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो वो वेल ग्रूम्ड होगा, अगर कोई इल है, डिप्रेस्ड है, तो वो जो है अपनी ग्रूमिंग पे, अपनी जो बॉडी केयर है, हाइजीन है, उस पर इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखता होगा। और अगर कोई क्लाइंट पहले बीमार था, अभी वो बेहतरी की तरफ आ रहा है, तो आप देखेंगे कि वो जो है वो थोड़ी सी ग्रूमिंग की तरफ जाना शुरू होगा, वो अच्छी हैबिट्स लेकर आएगा, हाइजीनिक हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं पोस्चर एंड गेट पे। तो पोस्चर एंड गेट जो है ये बहुत ज़्यादा किसी भी पर्सन के बारे में आपको बता सकती है। अगर आप कॉमनली कहीं स्ट्रीट में जा रहे हैं तो आप किसी को देखते हैं, तो अगर किसी का इरेक्ट पोस्चर होगा ना, तो इसका मतलब ये है कि वो पर्सन कॉन्फिडेंट है, ठीक है। अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा रैपिडली चल रहा होगा, ठीक है, या हैपहैजर्डली है काम कर रहा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन को शो करता है। तो इसी तरह से आप क्लिनिकल सेटिंग में भी देख सकते हैं पेशेंट्स की कंडीशन को। अगर कोई पेशेंट जो है अपने दोनों हाथ क्लोज करके बैठा हुआ है, बांध के बैठा हुआ है, ठीक है, दोनों लेग्स जो है वो उसकी क्रॉस्ड है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो अपने आप को बहुत अनसेफ फील कर रहा है वहाँ पे, ठीक है, और वो जो है आपके साथ अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर जो है वो अपने मतलब स्माइल है उसके चेहरे पे, ठीक है, और वो जो है उसके आर्म जो है वो बिल्कुल रिलैक्स्ड है, बॉडी पूरी उसकी फुली रिलैक्स्ड है, ठीक है, तो मतलब क्या है कि उसका ओपन पोस्चर है और वो आपसे बात करना चाहता है। तो नर्स को जो है इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि क्लाइंट जो है किस तरह से किस पोस्चर में है। इवन कि नर्स को अपना पोस्चर भी देखना चाहिए कि क्लाइंट आपके इस पोस्चर से क्या क्या जो है वो रिजल्ट जो है वो ले सकता है। फिर आते हैं हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशन। हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है जितना कि हमारा फेस, ठीक है। तो फेस पे सबसे पहले क्या चीज़ हमारी आ जाती है, हमारी स्माइल आ जाती है। स्माइल क्या है, एक पॉजिटिविटी है जो हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा पूरा फेस है वो कितने ज़्यादा एक्सप्रेशन दे सकता है, मीन्स सरप्राइज के, फियर के, एंगर, डिस्गस्ट, हैप्पीनेस, सैडनेस, कुछ भी इवन क्या फीलिंग है वो आपके फेस पे नज़र आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं के आई कांटेक्ट की। आई कांटेक्ट जो है वो अगर आप फेशियल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फेस टू फेस बैठे हुए हैं किसी के साथ, तो बहुत ज़्यादा जो है वो एक इसेंशियल एलिमेंट हो जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। बहुत ज़्यादा कल्चर जो है उनमें क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो उसके लिए नेसेसरी होता है कि मतलब
जो सामने वाले की आंखों में देखे तो उससे क्या होता है कि मतलब उसके बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसकी आंखों में देख कर ही वो पता चल जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि नर्स की, तो क्लाइंट अगर नर्स के सामने बैठा है तो क्लाइंट बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता है नर्स के फेशियल एक्सप्रेशंस को। मतलब अगर कोई क्लाइंट बहुत ज्यादा सीरियसली इल है और वो अपनी डिजीज के बारे में या अपनी सर्जरी के बारे में नर्स से पूछ रहा है तो वो उस वक्त बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि नर्स जो है वो आई कॉन्टेक्ट मेंटेन किए हुए या उसकी बात सुनकर आई कॉन्टेक्ट थोड़ा सा टूटा है और वो कुछ और सोच रही है कि मैं इसको बताना चाहिए मुझे या नहीं बताना चाहिए। तो क्लाइंट ऐसी चीजों को बहुत ज्यादा जो है वो फील कर लेते हैं। तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी कम्युनिकेशन में। फिर हम आए थे जेस्चर्स पे। जेस्चर्स क्या हमारे हैं कि हमारे हैंड एंड बॉडी के जेस्चर्स होते हैं। हम सर्टेन मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, मतलब हमने अगर एम्फेसिस देना है किसी चीज़ पे तो हम अपने हैंड्स को मूव करते हैं, इन सर्टेन पोजिशन में हम मूव करते हैं। ठीक है, हम क्लैपिंग करते हैं, हम हैंड शेक करते हैं, हम हैंड वेव करते हैं जब हम किसी को गुड बाय कह रहे होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे जेस्चर्स हैं जो कि हमारी वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ चलते हैं और उसको जो है वो ब्यूटीफाई करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन को उसको मोर इफेक्टिव बनाते हैं। उसके अलावा जेस्चर्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं कि जब किसी ने साइन लैंग्वेज सीखनी होती है, मतलब सर्टन लोग होते हैं जो कि मतलब सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, तो उनको क्या है साइन लैंग्वेज समझाई जाती है और वो साइन लैंग्वेज मोस्टली हमारे जेस्चर्स से, हमारे फेशियल जो है हमारे एक्सप्रेशन से, इन सबसे मिलकर बनी होती है। जैसे हम बात करें कि अगर पेशेंट कोई सीरियसली इल होता है तो आईसीयू में, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट कोमा में है और उसकी बॉडी का सिर्फ एक या दो पार्ट्स जो है या एक दो या दो फिंगर्स जो है वो सिर्फ मूव कर रही है तो वो पेशेंट भी सर्टन जेस्चर जो है वो चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो पेशेंट जो एक दफा फिंगर अपनी उठाएगा जिसका मतलब हाँ है, और अगर दो दफा उठाएगा जिसका मतलब वो किसी काम से मना कर रहा है। ठीक है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमने देख लिया पर्सनल अपीयरेंस, हमने जो थी वो देख ली हमने। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देख लिया, हमने पोस्चर एंड गेट देख लिया, फिर हमने फेशियल एक्सप्रेशन देख ली है, देन हमने जेस्चर्स के बारे में बात कर ली। तो ये सब कुछ जो है हमारी जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसके साथ साथ चलता है और उसको जो है मोर इफेक्टिव बनाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। ये हम पहले से देख चुके हैं तो हम इसको जल्दी से एक दफा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेस एंड इंटोनेशन की। पेस क्या होता है कि आप किस मैनर में बात कर रहे हैं, किस रिदम में बात कर रहे हैं, किस रेट के साथ बात कर रहे हैं, कि आप बहुत ज्यादा बैडली बात कर रहे हैं, लाउडली बात कर रहे हैं, आप शाउट कर रहे हैं किसी के साथ, आप जो है वो बहुत धीमे लहजे में बात कर रहे हैं, ठीक है, या आपकी टोन किस तरह की है स्पीच की। तो ये सब कुछ किसके अंदर आ जाता है, मैनर, रेट, रिदम और टोन ऑफ स्पीच में आ जाता है। तो अगर आपकी पेस और इंटोनेशन अच्छी होगी तो क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। देन कम सिंप्लिसिटी, कि अगर आप अपनी कम्युनिकेशन के दौरान सिंपल वर्ड्स यूज करेंगे जो कि हर किसी के लिए इंटरप्रेट करना, प्रोसेस करना बहुत आसान होगा, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी और लोग आपको बहुत ज्यादा फॉलो करेंगे। फिर थर्ड आ जाते हैं हमारे पास क्लैरिटी एंड ब्रेविटी। क्लैरिटी क्या होती है कि आप जो बात कर रहे हैं वो प्रिसाइज हो, बहुत छोटी बात हो ताकि लोग उसको इजीली समझ सकें, ये ना हो कि आप एक पूरी स्पीच कर दो और उसमें से लोगों को एक भी काम की बात नहीं मिले। ठीक है, और ब्रेविटी क्या होती है, फ्यूएस्ट नेसेसरी वर्ड, जो सिर्फ जरूरी अल्फाज हैं आपने सिर्फ वही उसमें डालने हैं। फिर आते हैं टाइमिंग एंड रेलिवेंस। टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है किसी भी जगह पे कम्युनिकेशन के लिए, कि अगर आप सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे, आप इतनी स्पीडली बात कर रहे हैं कि वो सामने वाला जो है आपकी बात को समझ नहीं पा रहा, या आपने एक साथ बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर दिए हैं, आपने एक साथ 4 5 6 क्वेश्चंस कर दिए तो उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं किसका आंसर करूं। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो ये तो ये क्या होगा, ये बहुत बुरा होगा। तो आप अगर टाइमिंग देख के कि सामने वाले को आपकी बात समझ में आई है या नहीं आई है, तो आप अगर उसको देख के या अपनी बात की रेलिवेंस को चेक करके बात करोगे तो क्या होगा, आपकी इफेक्टिव वर्बल जो है कम्युनिकेशन वो हो जाएगी। देन कम्स अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी क्या होती है कि अगर आपने अपने वर्ड्स को मॉडिफाई कर लिया अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर क्यूज फ्रॉम द क्लाइंट, कि क्लाइंट जो आपको क्यों दे रहा है, अगर वो हैप्पी है आपकी बात से तो आपको उसके चेहरे पे स्माइल दिखेगी, तो अगर वो स्माइल कर रहा है तो आपको मतलब इसका ये है कि आपको अपनी बात जारी रखनी है, और अगर वो बहुत बुरे एक्सप्रेशन दे रहा है तो इसका मतलब आपको अपनी बात चेंज कर लेनी चाहिए। फिर आ जाता है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड करना क्लाइंट के लिए। ठीक है, अगर आप अपने आपको ट्रस्ट वर्दी शो करते हो क्लाइंट के सामने, किस तरह से कंसिस्टेंट होके, एम्पथेटिक होके, केयर प्रोवाइड करके, रिस्पॉन्सिबल होके,
तो क्लाइंट क्या होगा, आपके साथ अच्छे वे में कम्युनिकेट करेगा। और अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आप इररिस्पॉन्सिबल हो, तो क्लाइंट आपके साथ कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं करेगा। फिर आती है ह्यूमर। ह्यूमर जो है एक पावरफुल पॉजिटिव टूल है, अगर आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी है, कि आप किसी को अगर हंसा सकते हो, तो क्या होगा कि सामने वाले पे आपका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस देख के चलना है कि इधर कंडीशन जो है वो ह्यूमर वाली है भी या नहीं। ऐसा ना हो कि कंडीशन जो है ह्यूमर वाली ना हो और आप वहाँ पे जो है किसी को जोक कर दें, तो क्या होगा, आपकी वो कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी नहीं होगी। तो अगर आप सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करते हैं, तो क्या होगा, नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप जो है वो बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते क्वेश्चन नंबर 3। डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट फैसिलिटेट और इंटरफेयर विद द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ या तो उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं या इंटरफेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट डिफरेंट डेवलपमेंटल एजेस पे क्या होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, आपकी परसेप्शन स्किल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। कि आप एज के साथ साथ जिस जैसे ग्रो करते हो, आप दूसरों की बातों को बहुत अच्छे तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो है करना शुरू कर देते हो। तो अगर आप नर्स जो है वो क्लाइंट की डेवलपमेंटल स्टेज को अच्छे से स्टडी किया हुआ है, उसने उसको समझती है कि इस डेवलपमेंटल स्टेज पे कौन सी स्ट्रेटजी जो है मेरी कम्युनिकेशन की वो इफेक्टिव होगी, अगर उसको वो समझ लेती है, तो क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी। जैसे अगर 8-9 साल का बच्चा है, तो उसको अगर हमने बात समझानी है, तो हम उसको टॉयज के थ्रू या इस तरह से बात समझा सकते हैं, उसको इतनी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर थोड़ा सा एडोलिसेंट है या अडल्ट है, तो उसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन हमें करना पड़ेगा कि उसके क्या डिजीज है, क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या स्ट्रेटेजी हम अपनाएंगे। ठीक है, तो अगर हमें डेवलपमेंटल स्टेज के बारे में पता है, हम उसके बारे में जानते हैं, तो हम क्लाइंट को अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर आता है जेंडर। जेंडर की अगर हम बात करें, तो जो गर्ल्स होती हैं वो ज़्यादा जल्दी जो है वो फ्रेंडली हो जाती हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है कि अगर क्योंकि नर्स जो है वो भी मोस्टली जो है वो फीमेल होती है। ठीक है, तो वैसे भी गर्ल जो है वो एक डिपेंडेंट जो है हमारे जो सोसाइटी का एक कैरेक्टर है। ठीक है, तो क्या होता है कि उस बेस पे जब हम किसी गर्ल से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि वो जो है बहुत जल्दी जो है वो अपनी जो है ट्रस्ट जो है डेवलप कर लेती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू मेल जो है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, वो निगोशिएट इतना नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी प्रॉब्लम को जल्दी से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमें अकॉर्डिंग टू जेंडर जो है हमें क्लाइंट्स को लेकर चलना है, फीमेल क्लाइंट को उनके अकॉर्डिंग और मेल क्लाइंट्स को उनके अकॉर्डिंग। फिर आते हैं वैल्यूज एंड परसेप्शंस। अगर हमें क्लाइंट की वैल्यूज पता है, उसकी परसेप्शन के बारे में हमें पता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बहुत जल्दी जो बहुत अच्छी कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्लाइंट जो है अपनी वार्ड में या अपने जो बेड पर रो रहा है, ठीक है, तो अगर नर्स उसके गिर्द कर्टन जो है उसके बेड के कर्टन उनको जो है वो कवर कर देती है, तो इससे क्लाइंट समझेगा कि नर्स को जो है मेरी बहुत ज़्यादा केयर है, परवाह है मेरी, कि वो चाह रही थी कि मैं अकेला हो जाऊं और परेशान ना हूं, और वो जो है मेरी फीलिंग्स को दूसरों के सामने एक्सपोज नहीं करना चाह रही थी, वो मुझे सेव करना चाह रही थी। ठीक है, देन है पर्सनल स्पेस। हमें क्लाइंट से बात करते हुए पर्सनल स्पेस को बहुत ज़्यादा ख्याल में रखना चाहिए। ठीक है, हमारे पास 4 तरह के डिस्टेंसेज होते हैं, हम उनकी बात करते हैं, तो फिर हमें पता चलेगा कि हमने किस जोन में रहते हुए क्लाइंट को डील करना है। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इंटीमेट जोन। इंटीमेट जोन जो होता है ये आपके मोस्टली लव्ड वन के साथ होता है, जैसे कि आपकी फैमिली हो गई है, मदर जो है अपने चाइल्ड के साथ होगी, ठीक है, या जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या आ जाता है हमारे पास इंटीमेट जोन आ जाता है। ठीक है, फिर आता है पर्सनल जोन। पर्सनल जोन क्या होता है, ये मतलब इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं होता जितना कि इंटीमेट डिस्टेंस होता है। ठीक है, इसमें वॉइस टोन जो है वो भी मॉडरेट सी रहती हैं। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो आप रीड कर सकते हो इजीली। ठीक है, अब जो नर्स का और क्लाइंट का रिलेशनशिप है वो इस डिस्टेंस के अंदर आ जाता है। ठीक है, मतलब नर्स जो है वो चेयर पे बैठी हुई है, ठीक है, और वो जो है क्लाइंट को मेडिकेशन दे रही है या उसको आईवी जो है वो इन्फ्यूजन दे रही है। फिर आता है सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे कि हम क्लासरूम में जो है हम किसी को टीच कर रहे होते हैं। और जो पब्लिक डिस्टेंसिंग होती है, पब्लिक डिस्टेंसिंग में क्या होता है कि हम एक पूरे क्राउड से बात कर रहे होते हैं, जिस तरह से लीडर जो है वो स्पीचेस वगैरह करते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट के साथ नर्स का जो रिलेशनशिप है उसमें कौन सी तरह की हमें स्पेस चाहिए, हमें पर्सनल स्पेस चाहिए होती है। ठीक है, उसके बाद आती है टेरिटोरियलिटी।
टेरिटोरियलिटी में क्या आता है कि क्लाइंट जहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी ओरिएंटेशन जहाँ पर हुई हुई है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो किसी प्राइवेट रूम में एडमिट है, ठीक है, तो उस रूम के कर्टन्स, वहाँ का फर्नीचर, चेयर वगैरह, उसको वो अपनी टेरिटरी समझता है जब तक कि क्लाइंट वहाँ पे है। अब अगर उस दौरान में कोई नर्स वगैरह या कोई जो है हॉस्पिटल का जो हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल है क्लाइंट की, कोई उस प्रीमिसेस में से, उस टेरिटरी में से कोई चीज़ जो है उसको इन्वेड करता है या वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, तो क्लाइंट जो है उस पर्सन को बुरा समझता है, ठीक है, वो कहते हैं कि मतलब मेरी टेरिटोरियलिटी का ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो ये बंदा किस तरह से मेरे लिए ट्रस्टवर्दी हो सकता है। तो आपने क्लाइंट की उस टेरिटरी का ख्याल रखना है ताकि क्या हो कि वो ट्रस्ट बिल्ड करे आपके ऊपर। उसके बाद हम बात करते हैं रोल्स एंड रिलेशनशिप पे, ठीक है, तो रोल्स एंड रिलेशनशिप में क्या आता है कि आपके रोल क्या है क्लाइंट को केयर प्रोवाइड करने में और आपका रिलेशन किस तरह है। अब अगर आप किसी क्लाइंट को फर्स्ट टाइम मिले हो तो आपका रिलेशनशिप एज कम्पेयर टू दैट नर्स की जिसका जो है पहले से किसी क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड है, वो पहले से उसको जानती है या प्रीवियसली वो क्लाइंट वहीं पे एडमिट रहा था, ठीक है, तो उनका तो सेकेंड टाइम इंटरेक्शन हुआ, आपका फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ, ठीक है, तो जो सेकेंड टाइम इंटरेक्शन है वहां पे रिलेशनशिप क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू द फर्स्ट टाइम। बात करते हैं एनवायरनमेंट की, तो अगर एनवायरनमेंट जो है वो कंफर्टेबल होगा, रिलैक्स्ड होगा, नॉइसी नहीं होगा, ठीक है, वहाँ अच्छी मतलब वेंटिलेशन होगी, लाइटेंड होगा, तो क्या होगा कि कम्युनिकेशन जो है वो बेटर हो सकेगी, ठीक है। अगर एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर है या बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो उस वक्त क्या होगा कि आपकी कम्युनिकेशन जो है अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आप जब तक कंफर्टेबल नहीं हो तब तक आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। देन आया था कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होता है कि आप जो बात कर रहे हो आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो है उसके साथ बिल्कुल मैच कर रहे हैं, मतलब अगर आप स्माइल कर रहे हो तो आपकी चेहरों चेहरे से, आपकी बात से, ठीक है, आपकी आईज कॉन्टेक्ट से सब कुछ जाहिर हो रहा है कि आप वाकई में स्माइल कर रहे हो। अगर आप खुश हो, आप बता रहे हो किसी को खुश हो, लेकिन अगर आप आगे से शक्ल जो है कंटेम्प्ट वाली बना रहे हो या बुरी शक्ल बना रहे हो, तो सामने वाला कभी भी यकीन नहीं करेगा कि आप खुश हो, ठीक है। तो जब तक आपकी बात में कॉन्ग्रुएंस है, आप जैसे दिख रहे हो वैसे ही आप बात कर रहे हो, तो तब तक क्लाइंट आप पे बिलीव नहीं करेगा जब तक आप ऐसे नहीं बोलोगे। तो अपनी स्पीच में हमेशा से कॉन्ग्रुएंस रखनी चाहिए ताकि जो क्लाइंट है वो आपकी बात जो है उसको बहुत अच्छे से समझ ले, ठीक है, और आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर दे। उसके बाद आते हैं इंटरपर्सनल एटीट्यूड्स आ जाते हैं कि आपके क्लाइंट के साथ एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, मतलब आप केयरिंग हो, आप वार्म्थ प्रोवाइड कर रहे हो, आप रिस्पेक्ट दे रहे हो उसको और आप उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो क्या होगा क्लाइंट आप पर ट्रस्ट करेगा और कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव हो जाएगी। टॉपिक लंबा हो रहा है, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस टेक्निक दैट फैसिलिटेट और इंटरफेयर विद द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। पहले हमने फैक्टर्स पढ़े थे जो फैसिलिटेट कर रहे थे और इंटरफेयर कर रहे थे, अब हम टेक्निक्स पढ़ने लगे हैं। टेक्निक्स दैट फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक निमोनिक बना लिया था कि आप लोगों के लिए याद करना आसान हो। पबजी आजकल बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, तो मैंने फ्रॉस्ट पबजी के नाम से जो है आपके लिए निमोनिक बना लिया। सबसे पहला है फोकसिंग, रीस्टेटिंग, रिफ्लेक्टिंग, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, सीकिंग क्लैरिफिकेशन, टच थेरेपी, प्रेजेंटिंग रियलिटी, यूजिंग साइलेंस, बींग स्पेसिफिक एंड जनरल लीड्स प्रोवियन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इन सबको हाईलाइट कर दिया ताकि आप लोग जो है इजीली इनको याद कर सको, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, टेक्निक दैट इंटरफेयर कम्युनिकेशन। यहाँ पर भी मैंने आप लोगों के लिए एक निमोनिक बना दिया, यहाँ पे आप लोगों को इनके नाम याद रखने, आगे हम डिस्क्रिप्शन में इनको पढ़ते हैं, ठीक है, डिटेल हम इनकी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जी से, ये आपको ग्रेस्प कब बनाया था मैंने, तो जी से क्या है, गिविंग कॉमन एडवाइस। अगर आप किसी को कॉमन एडवाइस दोगे तो वो क्या होगा कि इंटरफेरेंस हो जाएगी कम्युनिकेशन में। रिजेक्टिंग, एग्रिंग और डिसएग्रिंग, स्टीरियोटाइपिंग, पासिंग जजमेंट, चैलेंजिंग, अनवारंटेड रीअश्योरेंस एंड प्रॉबिंग। अब हम इन दोनों को वन बाय वन जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। डिफाइन वेज टू रिस्पॉन्ड थेरापेटिकली, ठीक है, तो वही टेक्निक्स जो थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स थी सबसे पहले जो मैंने आपको करवाई थी, जिसकी हमने निमोनिक क्या बनाई थी, फ्रॉस्ट पबजी बनाई थी, ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पर डील कर लेते हैं। फ्रॉस्ट में सबसे पहले क्या था, फोकसिंग था, ठीक है, तो फोकसिंग क्या है
कि हेल्प द क्लाइंट टू फोकस ऑन एक्चुअल हेल्थ कंसर्न एंड डेवलप अ टॉपिक ऑफ इम्पॉर्टेंस। ठीक है, कि आपने क्या करना है कि आपने क्लाइंट को फोकस करना है एक्चुअल प्रॉब्लम पे, उसको जो है वो रैंडम नहीं होने देना उसकी थॉट्स को। ठीक है, कि जब हैपहैजर्डली वो थॉट्स आपको बताता जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगी कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो आपने कोशिश करनी है कि क्लाइंट अपने एक्चुअल प्रॉब्लम पर जो है वो फोकस करे। मतलब क्लाइंट अगर कह रहा है माई वाइफ सेज शी विल लुक आफ्टर मी बट आई कैन सी दैट माई चिल्ड्रन ऑलवेज फॉलो हर फॉर होमवर्क एंड फूड और क्लोथ। ठीक है, मतलब क्लाइंट क्या कह रहा है, ठीक है, कि वो कह रहा है कि मेरी बीवी कह रही है कि मेरा भी ख्याल रखेगी, लेकिन बच्चे हर वक्त उसको जो है वो परेशान करते रहते हैं खाने वगैरह के लिए। ठीक है, तो नर्स कह रही है यू आर वरीड अबाउट हाउ वेल शी कैन मैनेज, मतलब आप इसलिए परेशान हैं कि वो मैनेज कैसे करती है। तो आप उसके उस एक्चुअल वर्ड, उसकी पूरी स्टेटमेंट में से आपने एक वर्ड मैनेज निकाला कि वो किस तरह से मैनेज कर रही है, तो आप उसी बात को फोकस कर रहे हो नेक्स्ट पे। देन कम्स रीस्टेटिंग, आपने रीस्टेट करना है। ठीक है, आप उसी की बात को दोबारा से दोहरा रहे हो। ठीक है, एक्टिवली लिसनिंग फॉर क्लाइंट्स बेसिक मैसेज देन रिपीटिंग दोज थॉट्स एंड फीलिंग्स इन सिमिलर वर्ड, जिससे क्या होगा क्लाइंट समझेगा कि आप उसकी बात सुन रहे हो और आपकी कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे से हो जाएगी। क्लाइंट अगर कहता है आई हैव ट्रबल टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, तो नर्स क्या कहेगी यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू टॉकिंग टू पीपल, कि आप वाकई मुश्किल लगता है। थर्ड है ओपन एंडेड क्वेश्चन, एफ आर ओ, हम ओ तक पहुंच गए, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या आएगा कि आपने ब्रॉड क्वेश्चन करने हैं जिनके आंसर जो है वो काफी एक्सप्लेन में क्लाइंट दे दे। ठीक है, आप जैसे क्लाइंट को कहोगे कि टेल मी अबाउट, हम कहेंगे कि इस बारे में मुझे और बताइए या व्हाट इज योर ओपिनियन। ठीक है, तो एफ आर ओ हमारा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ पे, सीकिंग क्लैरिफिकेशन। ठीक है, आपने क्लैरिफिकेशन लेनी है क्लाइंट से। अ मेथड ऑफ मेकिंग क्लाइंट्स ब्रॉड ओवरऑल मीनिंग ऑफ द मैसेज मोर अंडरस्टैंडेबल। आपने क्या करना है क्लाइंट के उस पूरे मैसेज की क्लैरिफिकेशन एक ले लेनी है, जिससे क्या हो कि आप दोबारा से एक तरह से री एश्योरेंस कर रहे हैं। वुड यू प्लीज से दैट अगेन, कि आप दोबारा इसको मेरे लिए बताएंगे। ठीक है, वुड यू टेल मी मोर, कि आप क्लियर कर रहे हो जो क्लाइंट ने बात कही है। ठीक है, फिर है टच थेरेपी, प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ टच टू री इन्फोर्स केयरिंग फीलिंग्स। टच जो है हमारा ये बहुत ज़्यादा जो है ये एक तरह से केयर प्रोवाइड करने में हेल्प आउट करता है। बट द टच मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द सोशल नॉर्म्स ऑफ द क्लाइंट एंड शुड बी प्रोफेशनल टच होना चाहिए। ठीक है, प्लेसिंग योर हैंड ओवर द क्लाइंट्स हैंड। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आइडेंटिफाई नॉन थेरापूटिकल रिस्पॉन्ड। अब हम नॉन थेरापूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स की तरफ चलेंगे, जिसकी निमोनिक हमने क्या बनाई थी, हमने बनाई थी ग्रेस्प कप। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, जी गिविंग कॉमन एडवाइस। अब ये वो टेक्निक्स हैं जो आप अगर अप्लाई करेंगे तो क्लाइंट के साथ आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं होगी। तो अगर आप क्लाइंट को बताते हैं कि उसको क्या करना चाहिए, ठीक है, तो क्लाइंट समझेगा कि उसकी पर्सनल वर्थ कोई नहीं है, उसकी पर्सनल जो है वो विल नहीं है, वो इतना काबिल नहीं है कि वो अपने बारे में खुद से फैसले कर सके। तो क्या होगा कि ये सारे के सारे रिस्पॉन्सेस क्लाइंट को उस थेरापूटिक जो ट्रीटमेंट है उसमें से बाहर निकाल देंगे। क्लाइंट समझेगा कि मेरा राइट नहीं है कि मैं अपने बारे में खुद से फैसला कर सकूं। ठीक है, आपने कॉमन एडवाइस नहीं देनी, हाँ आप एक्सपर्ट एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट कह रहा है शुड आई मूव टू नर्सिंग होम फॉर बेटर केयर। ठीक है, नर्स अगर कहेगी कि नर्स कहेगी इफ आई वर यू I'd prefer to go nursing home where I'll get cooked meals for me. ठीक है, नर्स उसको अगर कह रही है कि मैं मतलब इसलिए नर्सिंग होम में जाऊंगी कि वहां मुझे बने बनाए खाने मिलेंगे, ये कॉमन एडवाइस है, ले पर्सन बोलते हैं, अनएथिकल है। हाँ, अगर आप उसको एक्सपर्ट एडवाइस दे रहे हो कि वहां पे आपकी केयर अच्छी होगी तो आपको वहां जाना चाहिए, दैट्स वाई आप वहां जाएं। ठीक है, तो एक्सपर्ट एडवाइस में और कॉमन एडवाइस में बहुत ज्यादा फर्क होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने एक्सपर्ट एडवाइस दे सकते हैं, आप उसको कॉमन एडवाइस नहीं देंगे। रिजेक्टिंग, क्लाइंट अगर कोई सर्टन बात कर रहा है आप उसकी बात को रिजेक्ट कर रहे हो कि मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है, आप टॉपिक चेंज करें। ठीक है, तो आपने ऐसा भी नहीं करना, रिफ्यूजेस टू डिस्कस सर्टन टॉपिक विद द क्लाइंट, दीज रिस्पॉन्सेज मेक द क्लाइंट फील दैट नर्स इज नॉट एक्चुअली ट्रस्टवर्दी एंड दे डू नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली। अगर नर्स कह रही है आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट, लेट्स चेंज द टॉपिक, जिससे क्या होगा क्लाइंट जो है वो सोचेगा कि ये मेरी बात सुनना ही नहीं चाह रही है। ठीक है,
तो वहां पर क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कभी भी पॉसिबल नहीं होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग पे। इमीजिएटली अगर आप क्लाइंट की किसी बात पे एग्री करते हो तो कभी भी आपकी नहीं सुनेगा, और अगर आप डिसएग्री करते हो तो वो जिद में आ जाएगा, वो डिमांड करेगा कि उसी काम को बार बार किया जाए, ठीक है? तो वो डिफेंसिव हो जाएगा उस चीज़ के बारे में। क्लाइंट अगर बोलता है आई डोंट थिंक दैट डॉक्टर एमिली इज अ गुड डॉक्टर बिकॉज आई थिंक शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन हर पेशेंट्स, नर्स आई नो हर शी इज एन एक्सलेंट डॉक्टर, नर्स यहाँ पे क्या कर रही है, डिसएग्री कर रही है उसके साथ। अब क्लाइंट क्या करेगा, वो डिफेंसिव हो जाएगा, कहेगा हाँ मैंने उसको देखा था, वो केयर प्रोवाइड नहीं कर रही थी, पेशेंट चिल्ला रहे थे, वो बात नहीं सुन रही थी, ठीक है? तो क्लाइंट का बिलीव जो है उस बारे में और ज्यादा स्ट्रोंग होता चला जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं उसी की, हम चल रहे हैं नॉन थेरापेटिक वाले की। तो हमारे पास फिफ्थ आ गई, ग्रैस्प का एस आ गया हमारे पास, स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है, सर्टन बिलीव्स होते हैं जिनके पीछे कोई बेसिस नहीं होती है, हम नॉन जजमेंटल बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। शोइंग नॉन जजमेंटल स्टीरियोटाइप बिलीव्स टू द रिस्पॉन्सिस ऑफ पेशेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट जो है वो मैन है और वो रो रहा है, तो हम उसे कहेंगे मैन डोंट क्राई, आदमी तो रोते ही नहीं है, तुम क्यों रो रहे हो, ठीक है? और अगर कोई औरत चिल्ला रही तो हम उसको कह दें कि औरतें तो होती ही इस तरह, क्योंकि वो जो है शिकायतें करती रहती हैं, तो हमें इस तरह की कोई बात भी उनके साथ नहीं करनी है, स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स हमें यूज़ नहीं करने हैं। तो क्लाइंट इससे क्या समझेगा कि वो कहेगा कि आप भी दूसरे लोगों की तरह हो, मुझे यहाँ पे आने का भी कोई फायदा नहीं, मुझे घर में ही ठीक था। देन कम्स प्रोबिंग, आस्किंग फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्यूरियसली रेदर देन द क्वेश्चनिंग फॉर द पर्पज ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन। कि थेरापेटिक कम्युनिकेशन के लिए आपको जो क्वेश्चंस पूछने चाहिए आप वो नहीं पूछ रहे, आप उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वहां से आप बातें इकट्ठी करना चाह रहे हो, ठीक है? जैसे कि अगर क्लाइंट कह रहा है आई वाज स्पीडिंग 120 किलोमीटर पर आवर, आई डिडंट सी द कार, तो नर्स अगर पूछ रही है व्हाई आर यू स्पीडिंग, तो हम उसकी पर्सनल स्पेस के अंदर घुस रहे हैं, ठीक है? जो कि बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है, तो आपको कभी भी ट्रस्ट वर्दी नहीं समझेगा, वो कहेगा कि मुझे इससे बात ही नहीं करनी है, ठीक है? तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, डिस्कस द लीगल एस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। कि अगर आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो क्लाइंट की किसी भी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, तो उसके लीगल एस्पेक्ट क्या होंगे, क्या वो डॉक्यूमेंट आपको इस तरह से लिखने हैं कि वो लीगली जो है वो आप उनको जो है वो आप दे सको किसी भी कोर्ट में, या इस तरह से जो है आप कहीं भी उनको प्रेजेंट कर सको। द मेथड ऑफ राइटिंग और रिकॉर्डिंग द क्लाइंट्स डाटा एंड द हेल्थ हिस्ट्री इंक्लूडिंग असेसमेंट डायग्नोसिस प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्यूएशन इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन। कि क्लाइंट का जितना भी डाटा, उसकी असेसमेंट डायग्नोसिस प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन इवेल्यूएशन, उस सब को आपने रिकॉर्ड करना है एज अ क्लाइंट हेल्थ हिस्ट्री, तो क्या होगा, वो डॉक्यूमेंटेशन होगा। क्लाइंट डाटा इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, सो इट इज नेसेसरी टू राइट इट केयरफुली बिकॉज इट कैन बी यूज इन अ कोर्ट एज एन एविडेंस, ठीक है? लीगल एस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डेट एंड टाइम, डेट और टाइम जरूर मेंशन करना है आपने डॉक्यूमेंट करते हुए, किस टाइम आप चीज को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। कन्वेंशनल मैनर में जिस तरह से आपने जो है अच्छे वे में आपने लिखना है, ठीक है, जिस तरह से रेकमेंडेड वे है, और उसके साथ आपने मेंशन करना है कि आपने ये एएम में लिया है या पीएम में। नेक्स्ट आता है आपका लीजिबिलिटी, आपकी राइटिंग क्लियर होनी चाहिए ताकि दूसरे लोग जो है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। फिर आता है यूज डार्क इंक फॉर एंट्रीज फॉर परमानेंस, आप बॉल पॉइंट वगैरह से जो है वो एंट्रीज करें, आप लेड पेन से एंट्री ना, पेंसिल से एंट्री ना करें, ठीक है, क्योंकि उसका जो है वो बहुत जल्दी इरेज हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा जो है वो परमानेंट रहे, तो आपको क्या करना चाहिए, डार्क इंक यूज करनी चाहिए एंट्रीज करने के लिए। यूज एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी, एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी आपने इस्तेमाल करनी है, वो टर्मिनोलॉजी जो कि वो एब्रीवेशन, ठीक है, जो कि आपको प्रूवन है, जो आप यूज कर सकते हैं, जो इजिली अंडरस्टैंडेबल है सबके लिए, आपने वो यूज करनी है, ठीक है? आपने ऐसी टर्मिनोलॉजी, ऐसी एब्रीवेशन खुद से नहीं बनानी जो कि लोगों को समझ ना आ सके, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास ओडी है, वंस अ डे है, या बीडी है, ठीक है, ट्वाइस अ डे है, ठीक है, तो इस तरह की जो एब्रीवेशन है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो एब्रीवेशन हैं जिनको जो यूनिवर्सली जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है, आप उनको यूज नहीं करेंगे। यूज करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग यूज करने का मकसद ये है कि जो सामने वाला है पर्सन, या जहाँ पे भी आपने कोर्ट में वगैरह में शो करना है,
ठीक है, किसी को भी आपको हायर अथॉरिटी को दिखाना पड़ सकता है, ठीक है, तो उसके लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो, और दूसरा आपका जो करेक्टर इमेज है या आपकी जो एजुकेशनल या प्रोफेशनल जो आपका करियर है, ठीक है, उस पर जो है आपका जॉब पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है, बिलो एवरेज रिकॉर्डिंग देयर मस्ट बी साइंड बाय द नर्स विद द डेजिग्नेशन। नर्स के सिग्नेचर और डेजिग्नेशन जो है वो लाजमी होना चाहिए हर रिकॉर्डिंग के नीचे, ताकि पता चल सके कि ये रिकॉर्डिंग जो है किसी ऑथोराइज पर्सन ने की है, किसी ले पर्सन ने नहीं की। द क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्यूरेट, आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन लिखनी चाहिए। ये एथिकली भी आपके आपके ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने जो जहाँ पर भी इंफॉर्मेशन लिखनी है आपने एक्यूरेट लिखनी है, आपने कभी भी किसी की इंफॉर्मेशन चुरा कर या छुपा कर या झूठ से खुद से बनाकर नहीं लिखनी है। एक तो ये एथिकली रॉन्ग है, दूसरा जो है लीगली भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्लाइंट की कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और आपने उसके वाइटल साइंस फॉर एग्जाम्पल पल्स या बीपी वगैरह आपने नहीं लिख लिया, आपने खुद से ही उसकी वैल्यूज एज्यूम करके लिख दी हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि वो क्लाइंट के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन आपने इनपुट दे दी है। तो जब आप वो इनपुट गलत दोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जब अचानक से क्लाइंट को कुछ हो जाएगा तो वो सारे का सारा शक किस पर आएगा, वो नर्स पे आएगा कि उसने तो रिकॉर्डिंग की थी, ठीक है, तो उसके बाद से अब क्या हो गया क्लाइंट को। तो आपने एक्यूरेट करनी ताकि कहीं पर भी आपके ऊपर किसी भी किस्म का कोई इल्जाम ना आए। देन कम डॉक्यूमेंट द इवेंट्स इन सीक्वेंस एज दे अकर्ड। जिस तरह से कोई भी मतलब इवेंट्स हुए हैं क्लाइंट की हेल्थ में उसकी, ठीक है, तो हेल्थ प्रमोट हुई है या डिक्लाइन की है हेल्थ, ठीक है, तो आपने बिल्कुल उस तरह से सारे के सारा सीक्वेंस लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट की डेथ हो गई है तो आपने पूरा वो एक इवेंट बनाकर लिखना होता है, ठीक है, कि जिसमें आपको आपको यहाँ तक लिखना होता है कि क्लाइंट की कंडीशन पहले कैसे थी, फिर अचानक से मतलब उसका अगर रेस्पिरेशन जो थी वो अप्स एंड डाउन आने शुरू हुए उसके अंदर, ठीक है, हमने ईसीजी रिकॉर्ड की, ईसीजी जो थी वहाँ पर भी जो थी अप्स एंड डाउन थे, उसके इरेगुलरिटीज आ रही थी, अब नॉर्मेलिटीज आपको शो हो रही थी, ठीक है, पेशेंट को हार्ट अटैक आया, कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट हुआ। आपने पूरा एक सीक्वेंस बना के एक स्टोरी टाइप में आपने लिखना होता है कि किस किस तरह से इवेंट किस किस के बाद हुआ, ताकि आपका वो डॉक्यूमेंट जो है अगर कहीं पर लीगली भी शो करना पड़ जाए तो वो एक्सेप्टेड हो। फिर आते कंप्लीटनेस, हर तरह से कंप्लीट होना चाहिए वो, उसमें कहीं पर कोई भी ऐसे ब्लैंक्स चीज़ें या कोई भी, ठीक है, मिस चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कंप्लीट आपने जो है इन्फॉर्मेशन क्लाइंट की लिखनी है, मतलब हर पेज पे क्लाइंट का नाम, उसका नंबर वगैरह हर चीज़ आपने मेंशन करनी है, ठीक है, कहीं भी कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। देन कम्स कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब है कि अगर आपने पूरी एक स्टोरी लिखनी है या इवेंट लिखना है उसके अंदर पूरा एक आपने सीक्वेंस वाइज लिखना है, तो आप क्या करो उसको कोशिश करो कि एज शॉर्ट एज पॉसिबल कर सको, ताकि अगर आप किसी को दिखा रहे हो तो उसके लिए पढ़ना भी उसको आसान हो जाए, ठीक है। कंसाइजनेस में आपने लिखना और बहुत अच्छे वे में आपने इसको कंप्लीट करना है, ठीक हो गया। सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 4 वेरी इजीली। Hope you will learn it efficiently and will apply these communication techniques in your everyday and professional life. Please like, share, comment, and subscribe the channel so you are informed about the lecture of my next chapter, number 5. Stay tuned and Allah Hafiz. Take care.